यूपी में चुनाव के बीच एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। लखीमपुर को निशाना बनाया गया है, जहां दो पक्षों के बीच विवाद के बाद तनाव है। अपडेट यह है कि अब तक दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 वीडियो बनाने वाले और 1 गोली चलाने वाला भी शामिल है। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुबह 11 बजे दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों के साथ प्रशासन की बैठक भी है। आपको बता दें कि सोशल साइट्स पर एक वीडियो वायरल होने के बाद माहौल बिगड़ा। आपत्तिजनक वीडियो रिलीज होने के बाद लोग सड़कों पर आ गए, हंगामा करने लगे। इस बीच फायरिंग हुई और फिर आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। कुल मिलाकर एक सोशल साइट्स का बम फूटा और माहौल बिगड़ गया। अफरा तफरी का आलम, चप्पे चप्पे पर जवा, मोर्चा संभाले आला अधिकारी। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, दुकानें और बाजार बंद है। पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में पीएसी के जवान गश्त कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल लखीमपुर में एक आपत्तिजनक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। आपत्तिजनक वायरल वीडियो से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। वायरल वीडियो के साथ अफवाह की आग ने हालात को बिगाड़ने का काम किया, जिसके बाद अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया। एहतियातन आज शहर के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। लखीमपुर में हुए बवाल के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने लखीमपुर और कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। बावजूद इसके हंगामा हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए। तुरंत हम लोगों ने जो इससे संबंधित अभियुक्त थे, इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, उन्हें जेल में भेजा है और इन लोगों ने जो है यहाँ सब जगह अपना आक्रोश व्यक्त किया है और बाजार बंद कराने का प्रयास किया है इन लोगों ने, और ये कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हमने आश्वासन दिया कि इसमें जो मैक्सिमम कठोर कार्रवाई करेंगे और इसमें निश्चित रूप से हम NSA भी लगा पूरे लगाएंगे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने के मकसद से किसी ने गोली चलाने की अफवाह फैलाई, जिसके बाद गुरुवार शाम बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। अस्पताल के बाहर खड़ी 2 बाइकों को फूंक डाला, जिसके बाद प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात अभी काबू में है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बहरहाल चुनावी मौसम में सियासी फायदे के लिए नफरत फैलाने वाले लोग जानबूझकर इस तरह साजिश रचते हैं। लिहाजा इंडिया 24/7 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर बेहद सावधानी बरतें, किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या वीडियो से बचें, अमन चैन कायम रखने में प्रशासन की मदद करें। लखीमपुर खीरी से दिलीप कुमार मिश्रा और लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और अब आपको बताते हैं कि आग किसने लगाई। आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं। गुरुवार की शाम हंगामा हुआ, गोलियां चली, गोली लगने के बाद तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभाला, सदर कोतवाली क्षेत्र में कर्फ्यू लगा। और अब तक जो कार्रवाई हुई है वो भी आपके लिए जरूरी है जानना। लखीमपुर खीरी में स्थिति फिलहाल काबू में है। अब तक 6 गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 पर वीडियो बनाने का आरोप है। प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने के आरोप में 1 गिरफ्तार हुआ है। माहौल बिगाड़ने के आरोप में दूसरे पक्ष के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुबह 11 बजे दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों के साथ प्रशासन बैठक करने वाला है। डीके मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके, बताइए कि ताजा स्थिति क्या है और किस तरीके से काबू करने की कोशिश हो रही है पूरी स्थिति को। देखिए, अब जिस तरीके से कल हालात असामान्य हो गए थे, उनको सामान्य करने के लिए जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। कोशिश की जा रही है मीटिंगों के जरिए आपसी सौहार्द बनाया जाए, और जो लखीमपुर खीरी की गंगा जमुनी जो तहजीब है, जिसके चलते यहाँ के भाईचारा जो है उसको एक बार फिर से कायम किया जाए और आपसी जो मतभेद है उनका प्रशासन अपने निगरानी में बैठक करके उसका सलूशन निकालना चाहता है। और जो बात करते कमिश्नर और DIG और IG,
सारे लोग लखीमपुर में डेरा डब जमाए हुए हैं, हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। मीटिंगों का भी दौर अलग अलग जिस तरीके से कमिश्नर के साथ भी मीटिंग रखी गई है, जिला प्रशासन आईजी पुलिस की अलग से मीटिंग रखी गई है और दोनों संप्रदाय के प्रबुद्ध जनों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से कर्फ्यू का माहौल है लोग निकल नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कोशिश की जा रही है कि प्रबुद्ध जनों को लाया जाए और एक मैसेज पब्लिक में सर्कुलेट किया जाए कि किस तरीके से अब जो हालात हुए हैं, कार्रवाई भी चुकी हो चुकी है, आगे भी कार्रवाई करने की बात पुलिस मुखिया लगातार कह रहे हैं, कठोर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब कुछ ऐसा नहीं बचता जो लोग उत्साहित हों और इसके बाद कुछ कानून का उल्लंघन करें। तो कुल मिला के मीटिंगों का दौर जारी है, आला अधिकारी पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जगह पर एक तो फोर्स पूरे तरीके से तैनात है और कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त नजर आ रहा है। जी ठीक है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव का समय चल रहा है, जिस तरीके से असलहे बाहर आए हैं, गोलियां चली हैं, ये भी अपने आप में बड़ा हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अवैध असलहों को तो होना ही नहीं चाहिए और जो लाइसेंसी हैं वो थाने में होने चाहिए थे इस समय। देखिए बिल्कुल, ये जब से चुनाव आचार संहिता लागू हुई है तब से इस तरीके का पहले ही ये सब प्लान कर लिया जाता है और असलहों को जमा करवा लिया जाता है प्रशासन की तरफ से, लेकिन चूंकि अवैध असलहे भी बहुत भारी मात्रा में लोग रखते हैं और उनका प्रयोग इस समय ऐसे समय करते हैं जब माहौल बिगाड़ने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसा ही ये जो शाम को घटना हुई थी गोलीबारी की जिसमें दो लोग घायल हो गए थे, तो कुल मिला के ये भी घटना उसी की पुनरावृत्ति कही जा सकती है कि जिस तरीके से वो असलहे जो अवैध असलहों से इस तरीके से फायरिंग की गई और दो लोग घायल हुए, उसके बाद जो है माहौल काफी बिगड़ गया और हालात यहां तक आ पहुंचे। जी सर, शुक्रिया डीके इन जानकारियों के लिए, इस ताजा अपडेट के लिए। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से पूरी घटना लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा बवाल बन गई, कर्फ्यू लग गया, आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद धर्मविशेष को लेकर इसमें आपत्तिजनक बातें कही गई थी। गुरुवार की शाम लोगों ने हंगामा किया, गोलियां चलाईं, गोली चलने के बाद लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, पुलिस ने मोर्चा संभाला, सदर कोतवाली क्षेत्र में कर्फ्यू लगा। अब तक लखीमपुर खीरी में स्थिति फिलहाल काबू में बताई जा रही है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनमें 2 पर वीडियो बनाने का आरोप है, प्रदर्शन के दौरान फायरिंग करने के आरोप में 1 गिरफ्तार हुआ है, माहौल बिगाड़ने के आरोप में दूसरे पक्ष के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुबह 11 बजे दोनों समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों के साथ प्रशासन बैठक करेगा। लखीमपुर खीरी में एक विवादास्पद वीडियो वायरल होने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहर में बिल्कुल देख सकते हैं आप, सुरक्षा कर्मियों के अलावा सड़कों पर सन्नाटा है, कोई भी सबको घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। सारे पुलिस फोर्स पीएसी सारी जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगी है, साथ में प्रशासन भी पूरी तरीके से शांति व्यवस्था को जल्दी वापस पटरी पर लाया जा सके इसके लिए प्रयास करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सारे चौराहों की, जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूँ ये मेन चौराहा कहा जाता है लखीमपुर का, यहाँ पर अगर अमूमन इस समय की बात की जाए तो यहाँ पर भारी भीड़ बनी रहती है, लोगों की भीड़ बनी रहती है। आज भीड़ तो है लेकिन सुरक्षा कर्मियों की ज़्यादा भीड़ दिख रही है और पब्लिक के कोई भी शख्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल 11 बजे जिला प्रशासन के आला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक पीस कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसके बाद जो पूरा हालात है उस पर दोनों कम्युनिटी से बात करके पूरा हालात सामान्य करने की बात की जाएगी। लखीमपुर खीरी से डीके मिश्रा, इंडिया 24/7 के लिए।